गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एक और फॉर्मूला को देखने वाले हैं, जिससे आपके क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे। अगर आप उनको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स लगने वाले हैं। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपने कभी काफी बार देखा होगा जेनेटिक्स में पूछा जाता है कि आपको बताना है डिफरेंट कितने टाइप के गैमीट फॉर्म हो सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर जीनोटाइप दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको कोई भी जीनोटाइप दे दिया, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने टाइप के गैमीट की फॉर्मेशन हो सकती है डिफरेंट गैमीट की। अब मैं अगर नॉर्मली सिंथेसिस करने जाऊं तो इस तरीके से मुझे गैमीट्स को देखना पड़ेगा। जैसे ये गैमीट बन जाएगा, एक ये गैमीट बन जाएगा, एक ये गैमीट बन जाएगा, एक ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसमें मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, एक एक को मुझे देखना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है पता लगाने में कितने गैमीट्स बन रहे हैं। इससे अच्छा यहाँ पर एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, जिसका नाम है या फिर जिस जो होता है 2n। और यहाँ पर n क्या बताता है, यहाँ पर n बताता है ऐसे जीन्स जो कि कैसे हैं, जो कि हेटीरोजाइगस है। आपको कौन से जीन्स लेने हैं जो कि हेटीरोजाइगस जीन्स है, यानी कि उनके पास हेटीरोजाइगस एलील प्रेजेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लूँ, ये भी हेटीरोजाइगस है, ये भी हेटीरोजाइगस है और ये भी हेटीरोजाइगस है। ये एक हेटीरोजाइगस, ये दूसरा हेटीरोजाइगस और ये तीसरा हेटीरोजाइगस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2n3, और उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लूंगी 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 8 यहाँ पर आंसर आ गया। अब अगर मैं नॉर्मल मेथड से इसको एक बार रीचेक करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और एल्स मेरे पास यहाँ पर ये इतना आंसर आ गया। बस हमें याद क्या रखना है कि हमें हेटीरोजाइगस एलील्स को ही लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ दिस। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ए बी बी एंड सी और सी। यहाँ पर हेटीरोजाइगस क्या है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, इसलिए दोनों सेम है, सिर्फ एक ही क्या है यहाँ पर हेटीरोजाइगस है। तो मैं क्या करूंगी, 2n में मैं लिख दूंगी 2^1, क्योंकि ले एक ही है तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इससे नॉर्मली अलील बनाने की कोशिश करूँ तो भी कितने, सॉरी गैमीट बनाने की कोशिश करूँ तो भी इतने ही आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन को देखूं, तो हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ दिस जीनोटाइप अज्यूमिंग दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग। अब देखिए, आपके पास इतना बड़ा सा ये CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतने सारे आपको एक बड़ा सा जीनोटाइप दे दिया। अब अगर मैं नॉर्मल मेथड से जाऊं, मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या यूज करूंगी, 2n, ये एक हेटीरोजाइगस, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन है इन दोनों, ये दोनों होमोजाइगस है तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या लिखूंगी, 2^3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, तो यहाँ पर आपको ये दिख दिया हुआ है, ये क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देख ले, एक हेटीरोजाइगस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूंगी, 2n, और उधर क्या लिख दूंगी, 2^7। तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार मुझे करना पड़ेगा, यानी कि 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = 128, मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सा होता है और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स के बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बनाया था और इस वीडियो में भी मैंने बताया। तो बस आपको लगाना है 2^n, और n क्या होना चाहिए, हेटीरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दीज शॉर्ट वीडियोज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।